अगला रिएक्शन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, यानी कि मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लोग देख लो पहले, कि जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, जो सॉल्ट होगा क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। आयनिक कंपाउंड क्या होता है अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब देखो मेटल क्या लिया हमने, सोडियम का मेटल लिया और नॉन मेटल में क्या लिया, क्लोरीन को लिया। जो प्रोडक्ट बना क्या हमारा बना, टू यानी सीएल। ठीक है, यानी जो टू यानी सीएल क्या है हमारा, आयनिक कंपाउंड है। घर में नमक का यूज करते हैं, वही क्या होता है, एनएचसीएल होता है, आयनिक कंपाउंड होता है एनएचसीएल। ठीक है, अब ये चीज आप देख पा रहे हैं, जो एनएचसीएल है क्या टाइटली बॉन्ड है, एनएचसीएल है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, टाइटली बॉन्डेड है। ठीक है, तो अब एक चीज और हम लोग जान लेते हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, जो कॉन्सेप्ट है केमिकल बॉन्डिंग का उसको हम लोग जान लेते हैं। आप ये देख पा रहे हैं कि NaCl के बीच में एक तगड़ा सा फोर्स है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं, टाइटली बॉन्डेड है Na और Cl। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, क्या डिस्कस करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। जैसे NaCl के बीच में भी क्या है, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकली अटैच्ड है, किस फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से केमिकली अटैच है। तो देखा जाए तो द फोर्स विद विच, द फोर्स विद विच द एटम्स ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल केमिकली बाइंडिंग। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो किस फोर्स से जो एटम्स जो होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, किस फोर्स से क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइंड करते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं, वही हमारा क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग होता है। यानी द फोर्स विद विच लिंक द एटम्स, ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अब जो केमिकल बॉन्डिंग होती है बेसिकली मेनली टू टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी, पहला होता है आयनिक बॉन्ड, क्या होता है भाई, आयनिक बॉन्ड, और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आपको समझ में आ रहा होगा, NaCl के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि ये क्या है हमारा, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या कर रहे हैं, ये दोनों एलिमेंट क्या क्या लिंक कर रहे हैं, यानी कि अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बॉन्डिंग होगी दो प्रकार की, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कभी भी आपके दिमाग में आए तो ये समझना मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। ठीक है, अब देखिए आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। अगर हम लोग एग्जाम्पल लें NaCl की, किसका एग्जाम्पल लें भाई, Na क्या है हमारा, मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, अगर हम इसका अगर बॉन्डिंग देखें एग्जाम्पल के थ्रू समझें, एग्जाम्पल हमने क्या लिया, आयनिक बॉन्ड का NaCl लिया, तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 281 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, क्लोरीन का 287, 1, 2, 4, 6 and 7। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोग समझो, क्या समझना है कि अब देखो आप, मैंने क्या बताया, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। अब ये क्या करेगा, आपको मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट का एटम स्टेबल कब होगा, जब उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट होगा तब। यानी क्या करेगा, अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा, दे देगा। तो आप देख पाएंगे क्या हो जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ट्रांसफर कर देगा, तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस। अब Cl क्या हो जाएगा, Cl माइनस में आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये ले रहा है, यानी कि Na प्लस, 2, 4, 6 और 8 हो जाएगा, और Cl किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाएगा, 2, 8 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 2, 8, 8। यानी दोनों का ऑक्टेट आप देख रहे हैं कि कंप्लीट हो गया, यानी कि एक ट्रांसफर सोडियम ने क्या किया, एक ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन को, किसको, क्लोरीन को, और इससे जो बॉन्ड बना कौन सा बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड बना। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, NaCl, NaCl एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड। क्लियर हो रहा है, अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, NaCl लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, NaCl सोडियम क्लोराइड। अरे भाई, जो हम लोग घर में क्या करते हैं, नमक को यूज करते हैं, वही तो होता है NaCl। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। देखो कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, द बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन,
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्लियर हो रहा है? और क्लियर नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस टॉपिक पे आपको दिक्कत आ रही है, या फिर किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं ज़रूर बताइए। केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी टॉपिक जो आज तक समझ में नहीं आया कमेंट करके बताइए, मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब क्या करना है हम लोगों को, कोवेलेंट बॉन्ड को थोड़ा सा जान लेना है। मेनली क्या जान लेना है? कोवेलेंट बॉन्ड को। क्या बताया मैंने? द बॉन्ड फाउंड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। और जो बेसिकली होता है नॉन मेटल्स के बीच में ही क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ सी एल टू का, तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा भाई? इसमें क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। एच सी एल की बात कर लो, सी एच फोर की बात कर लो, सब में क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा। यानी अगर हम एग्जांपल किसका ले लें, क्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं, सी एल टू यानी क्लोरीन 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 के बीच में जो बॉन्ड बनेगा कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई? वो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हो रहा है? अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या हो जाएगा, 287, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। इसका क्या हो जाएगा, 287। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन को हम क्या किए हैं, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। वही क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या हुआ 7, और इसको भी मैंने क्या किया, 2, 2, 4, 2, 6, 7। इसमें अब ये सोचो, देखो अब एक इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, ना ये देगा ना ये देगा, क्योंकि कोई भी नहीं दे सकता है। तो क्या होगा, शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वही क्या होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे दोनों लोग, एक इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वही क्या होगा हमारा, वही कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, यानी कि अगर प्रोडक्ट देखें हम लोग, क्लोरीन क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा, 2, 2, 2, 6, 7, 8। ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8। यानी आप देख पा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किए दोनों लोग, शेयर कर लिया। शेयरिंग से जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड बना, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बना। यानी कि क्या है हमारा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है भाई, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हमारा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका देख लें अगर, तो क्या हो जाएगा, 288 हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा, 288 हो जाएगा। यानी कि अगर हम लिख सकते हैं क्या बन जाएगा हमारा, Cl2 बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप घर पे ट्राई करिएगा, HCl का फॉर्मेशन करिएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइएगा, CH4 का बनाइएगा, ठीक है, C2H5 का बनाइएगा, सब में क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्लियर हो रही है? अब एक चीज जो लास्ट इस चैप्टर में इस टॉपिक में डिस्कस करना है, इस वीडियो में डिस्कस करना है, वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। क्या डिस्कस करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, मेटल से नॉन मेटल से, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। देखो आप बेसिकली फिजिक देखो, उनका फिजिकल नेचर देखो। सबसे पहले मैं किसकी बात करूँगा, आयनिक कंपाउंड की, और मैं बातचीत करूँ, इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए। अगर यूनिक पे आप हैं तो कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, पूरा कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा, कहीं से भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मैं क्या बता रहा था, मैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। यानी कि आयनिक कंपाउंड की मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये रख के आओ, आप अपने दिमाग में बैठा लो, आयनिक कंपाउंड का मतलब कि NaCl, हमारा घर का जो नमक होता है, ठीक है, वही क्या हमारा आयनिक कंपाउंड है। अब उसका फिजिक कैसा होता है, फिजिकल नेचर कैसा होता है, वो क्या एक क्रिस्टल के रूप में दिखता है, सॉलिड के रूप में दिखता है, यानी हम कह सकते हैं हार्ड रिजिड सॉलिड है। यानी कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं क्या होते हैं भाई, हार्ड रिजिड सॉलिड, रिजिड सॉलिड, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं क्या होते हैं भाई, हार्ड रिजिड सॉलिड होते हैं, ठीक है। और उनमें देख पा रहे होंगे आप कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अभी मैंने बताया आपको कि NaCl के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। यानी कि दूसरा प्रॉपर्टी लिखकर क्या लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हाई होती है, ठीक है। अब मेल्टिंग देखो, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। यानी कि हाई क्या बताया, हाई MPN BP,
हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। और मोल्टन फॉर्म में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी, यानी कि कंडक्टिविटी भी इनकी अच्छी खासी होगी। कब? मोल्टन स्टेट में। गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टिविटी, क्या लिखा मैंने, गुड कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब एक चीज बचा क्या हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। इसको आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड का। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच यूनिक ऑनलाइन गुरु।